दामत बरकातुहुम अलालिया और हजरत ने मौजू पर जिस खूबसूरती के साथ कलाम किया है वो उन्हीं का हक है। अल्लाह ताला हजरत की उम्र में बरकत अता फरमाए, सेहत आफियत के साथ आपके साये को दराज फरमाए। मैं छोटे मदनी साहब के निमंत्रण पर भारतीय सर्वधर्म संसद के सभी रहनुमा यहाँ आए और बड़ी प्यार मोहम्मद की बात हमारे स्वामी चिदानंद सरस्वती महाराज ने की, एक माहौल बनाया। मैंने भी अपने विचार रखे। संयोजक गोस्वामी सुशील जी महाराज ने बड़ी प्यार मोहब्बत की बातें की। हमारे सिख समाज से परमजीत सिंह चंडोक जी ने बड़ी प्यार मोहम्मद की बातें की, किंतु उसके बाद जो मदनी साहब का वक्तव्य हुआ हम कोई उससे सहमत नहीं है। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, हमें केवल छोड़ने की बात अगर करनी है प्यार मोहब्बत की कीजिए। ये जितनी कहानी सुनाई है अल्लाह मन्नू ये वो, उससे चार गुना कहानी मैं सुना सकता हूँ। मैं मदनी साहब, आप मेरे पिता तुल्य हैं, मैं आपको दावत देता हूँ शास्त्रार्थ के लिए। आप दिल्ली आइए, आप मुझे सहारनपुर बुलाएंगे, मैं सहारनपुर आऊंगा। और आपको निवेदन करता हूँ, जैन धाम के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर हुए और उससे पहले भगवान पार्श्व 23वें थे। वरिष्ठ नेमी जो है योगीराज कृष्ण के चचेरे भाई थे, किंतु याद रखिए उससे पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ थे, जिनके पुत्र भरत और बाहुबली के आधार पर भारत देश का नाम पड़ा है। आप ऐसे नहीं मिटा सकते। आपने जो बात कही है मैं सहमत नहीं हूँ और मेरे सारे सारे धर्म के संत वो इससे सहमत नहीं है। हम केवल सहमत आपस में मिलजुल रहे मोहब्बत से रहे। और इसके सिवा ये जो कहानी ओ मन्नू अल्लाह उसकी औलाद, ये फालतू की बातें है, सारा पलीका लगा दिया एकता के सद्भावना के सम्मेलन को। आप लोग तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। देखिए, हम इस्लाम के मानने वाले हैं, मुसलमान हैं, अल्लाह के मानने वाले। बैठ जाइए आप लोग, पहले बैठ जाइए फिर बात होगी आपसे। आप लोग बैठिए तसल्ली के साथ, बैठिए, तशरीफ रखिए, बैठिए। आप लोग बैठिए, मेहमान हैं वो हमारे, उनकी अपनी एक राय, उन्होंने अपनी राय जाहिर कर दी, उसमें बुराई की कोई बात नहीं है, हम उनका भी इकराम करते हैं। आप बैठिए, तशरीफ रखिए, प्रोग्राम आगे चलाइए, चलाइए आगे।